कुमार आपके बीच आज फिर नया हमारा क्लास लेकर आया हूँ। आज हमारा प्रोनाउन का पार्ट टू होगा, प्रोनाउन का पार्ट टू। अभी जो हमारा बचा हुआ था उसमें बात करेंगे। कहता है कि आज जो हमने बताया था पहले कि प्रोनाउन के 10 काइंड्स होते हैं, उसमें से मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन, ये हमने बता चुका था। अब हमारा जो बचा हुआ था चार प्रोनाउन बचा हुआ था, आज हमारा वही है। कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव बना है रिलेशन से, जैसा कि आप जानते हैं, और रिलेशन का मतलब होता है संबंध। तो कहता है कि वैसा प्रोनाउन जो मेन क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज का रिलेशन बताता है उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात ये हुआ कि दो सेंटेंस के बीच संज्ञा का जो संबंध जोड़ता है उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कहते हैं कि उसका एग्जांपल होगा क्या, जैसे व्हाट, व्हिच, हु, होम, हुज, दैट, ये हमारा जो है एग्जांपल है रिलेटिव प्रोनाउन का। अब जैसे इसको समझने के लिए है कि आप समझिए, कहता है कि आई सा द गर्ल सी वाज स्टैंडिंग इन द गार्डन। कहता है दो सेंटेंस है, इसमें आई सा द गर्ल और दूसरा है सी वाज स्टैंडिंग इन द गार्डन। अगर उसी को यहाँ पे लगाइए कि आई सा द गर्ल हु वाज स्टैंडिंग इन द गार्डन, तो कहता है कि यहाँ पे जो हु है दो सेंटेंस को जोड़ा, एक ये आई सा द गर्ल, आई सा द गर्ल और दूसरा है हु वाज स्टैंडिंग इन द गार्डन। दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम यहाँ पे ये करता है, मतलब इसमें जो नाउन लगने वाला है लड़की और यहाँ पे जो होने वाला है लड़की, उन दोनों का संबंध जोड़ देता है। अर्थात मेन क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज को का संबंध जोड़ देता है। कहता है उसमें से हमारा ये सब है एग्जांपल है। फिर कहता है रेसिप्रोकल। अब कहता है रेसिप्रोकल जो है इसका हिंदी होता है संबंध, पारस्परिक संबंध। कहता है पारस्परिक जो है, कहता है कि आप पारस्परिक का मतलब होता है एक साथ। कहता है कि पारस्परिक वैसा प्रोनाउन जो हम लोग को रेसिप्रोसिटी का सेंस देता है। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है पारस्परिक या एक साथ। कहता है जिस सेंटेंस में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक साथ करता है काम, पीपुल या सब्जेक्ट सब लोग एक साथ मिलके एक ही काम को जब करते हैं, तो वैसे कंडीशन में लगने वाले प्रोनाउन को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब कहता है कि इसमें होगा क्या, तो आप देखिए, कहता है फाइव लेवर्स वर्क्स टुगेदर इन द फील्ड ईच अदर
अब यहाँ पे कहता है कि पांच लेबर जो है एक साथ मिलके सब एक साथ आपस में एक खेत में काम करता है, तो यहाँ पे लगने वाला इच अदर या वन अनदर इस तरह का जो प्रोनाउन लगेगा वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। कहता है वैसा प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंध पारस्परिक या एक साथ होने का सेंस में अर्थ दे उसको हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, या इसको इट मींस अर्थात जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ और एक ही काम को जब करते हैं तो वैसे कंडीशन में लगने वाले प्रोनाउन को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन कहता है कि वैसा प्रोनाउन है जो इनडेफिनिट नाउन के साथ लगता है, मतलब अनिश्चित नाउन के लिए लगता है, उसको हम लोग इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। कहता है वैसा प्रोनाउन जिसका उपयोग इनडेफिनिट नाउन के साथ लगता है अर्थात अनिश्चित नाउन के साथ लगता है उसको हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, जैसे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, सम, मीन। मुझे पता है कि कुछ तो गड़बड़ है तो, लेकिन क्या गड़बड़ है ये पता नहीं है। कुछ लोग काम किया है लेकिन कौन किया है ये पता नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो प्रोनाउन लगाते हैं वो इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है, जैसे समवन हैज स्टोलन माय पेन, समवन हैज स्टोलन माय पेन। अब यहाँ पे कहता है समवन मतलब कोई जो है मेरा पेन चुरा लिया है, अब कोई तो चुराया है लेकिन कौन चुराया है पता नहीं है, लेकिन मेरा पेन चोरी हो गया है। नेक्स्ट कहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन से बना है और डिस्ट्रीब्यूशन का हिंदी होता है वितरण। कहता है कि जब बराबर बराबर के सेंस में अर्थ आए, वितरण का सेंस में आए, तो वैसे प्रोनाउन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और कहता है इसका एग्जांपल होगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस तरह से हम लोग आप कहते हैं ईच, बी लर्न, बी लर्न एवरीथिंग। हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एवरीथिंग जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।